तो कैसे आप सभी लोग, आशा करता हूँ कि सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ इतना ही है कि स्ट्रीम करते टाइम बहुत से क्वेरीज आती थी कि जो फोर्थ को PS5 की प्री ऑनलाइन बुकिंग हुई है या जो ऑफलाइन बुक्स हैं जिन लोगों के, उनकी डिलीवरी वो कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनको प्रोडक्ट कब तक मिल जाएगा। लेकिन एक चीज और थी कि जब मैंने ये डेट दी थी 4th अक्टूबर, और उससे पहले 21 सितंबर को बताया था कि 5th और 6th के आसपास ही आएगा, और 31st को भी मैंने बताया था कि 3 और 4 का सीन बन सकता है क्योंकि मैं बाहर जा रहा था। तो बट फाइनली 4th का जब अनाउंसमेंट मैंने दी थी या मतलब वीडियो बनाई थी, तो मैंने उसकी डिलीवरी डेट भी आपको बताई थी 10 से 12। तो लेकिन जब हम 3 को रात को स्ट्रीम कर रहे थे तो फ्लिपकार्ट ने कुछ ड्रॉप्स दिए, 4 को भी ड्रॉप्स दिए थे अमेजोन ने इवनिंग में, लेकिन 2nd की नाइट को भी फ्लिपकार्ट ने कुछ ड्रॉप्स दिए थे। जिन लोगों ने बुक कराया था, हमने एक छोटी सी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बना के डाली थी कि शायद किसी के लिए फायदेमंद हो, लेकिन उसमें से 4 या 5 लोगों ने स्ट्रीम पे आके बताया था, जो कि हमारे साथ खेलते हैं और रहते भी हैं वहां पे स्ट्रीम पे, तो उनका बुक हो गया था। लेकिन जब उन्होंने उसकी डिलीवरी डेट बताई मुझे, तो मैं हैरान रह गया था कि 4 अक्टूबर और 6 अक्टूबर कैसे हो सकती है। सो डाउट तो वहीं हो गया था कि ये डिलीवर नहीं होगा, और शायद हुआ भी नहीं है किसी को। तो डेट जो मैंने दी थी आपको 10 से 12, वही आप एक्सपेक्ट करके चलना, और वही है डेट 10 से 15 के बीच में। अमेजोन, फ्लिपकार्ट या जितने भी हैं, उन सब की जो डिलीवरी होगी आप कल से एक्सपेक्ट कर सकते हो, अगर आप थोड़ा सा पास रहते हो बॉम्बे के या फिर उन वेयर हाउसेज के पास जहां पर प्रोडक्ट सबसे पहले पहुंचता है, उसके बाद वो बिल होता है, दूसरे सेंटर्स पे जाता है, फिर वहां से अलग डिलीवर होता है। तो उन एक दो केस को छोड़ दिया जाए तो आपकी जो बाकी डिलीवरीज हैं वो 10 से 15 के बीच में ही एक्सपेक्ट करना। मैंने स्ट्रीम पे भी बताई थी ये बात, बट अभी कुछ कंफर्मेशन आई है तभी मैं आपको बोल रहा हूँ। और अब बात करते हैं एम्बियंस मॉल वालों की। एम्बियंस मॉल वालों की भी डिलीवरी वो कह रहे हैं 10 से वो देना शुरू कर देंगे, और 12 या मैक्सिमम टू मैक्सिमम 13 तक वो सबको दे देंगे। वैसे 12 तक सबको मिल जाएगा, लेकिन कब तक मिलेगा वो डेट मैटर करती है, और वो डेट है 27 जून। 28 तक वो जा सकते हैं, बट अगर किसी का ऑनलाइन बुक हो गया या कुछ लोग कैंसिलेशन कराते हैं तो अभी फिलहाल तो जितना कंफर्म है वो यही है कि उनका 27 जून तक वो कंफर्म कर रहे हैं कि सबको दे देंगे, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो आपका स्टैंडर्ड हो, डिस्क वेरियंट हो। सो गाइज प्लीज, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन बुकिंग की डिलीवरी डेट स्ट्रीम पे पूछ रहे थे, ये वीडियो स्पेशली उनके लिए ही है। और अगर बात करें नेक्स्ट रीस्टॉक की, तो मेरी तरफ से तो हो सकता है कि 1 नवंबर को हो, क्योंकि मंडे को आता है तो 1 नवंबर डेट हो सकती है, बट इसमें ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है अभी, ये सिर्फ एक दूर की स्पेकुलेशन है। अभी आसपास तो मुझे लग नहीं रहा है कि कोई शायद रीस्टॉक होगा, अगर होगा तो डेफिनेटली मैं आपको न्यूज दे दूंगा, अपडेट कर दूंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्लीज दबा दीजिएगा, क्योंकि अगर कोई ड्रॉप्स आते हैं या कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। अब बात करते हैं जो कंट्रोलर्स वगैरह की, कि मिडनाइट ब्लैक और कॉस्मिक रेड कंट्रोलर्स अवेलेबल होंगे या नहीं होंगे। एम्बियंस वालों के पास तो अवेलेबल होंगे, 10 के बाद आप ट्राई कर सकते हो, उनसे बात कर सकते हो फोन पे और बुक करवा सकते हो। और एक चीज और है कि एम्बियंस वालों ने आगे बुकिंग लेनी शुरू कर दी है, लेकिन वो बुकिंग दिसंबर एंड या जनवरी स्टार्टिंग के लिए ले रहे हैं, यानी कि अगर आप अभी बुक कराते हैं अक्टूबर के अंदर तो आपको 1.5 महीने के बाद की ही डेट मिलेगी, डिपेंड ऑन अ स्टॉक। सो उनके हिसाब से दिसंबर एंड या वो जनवरी में दे पाएंगे। तो ये गाइज उन लोगों के लिए है जिनको लगता है कि ऑनलाइन वो नहीं कर पा रहे हैं या नहीं हो पाएगा, तो उनके लिए ऑप्शन भी थी, क्योंकि ये क्वेश्चन भी स्ट्रीम पे बहुत आता था कि क्या वो कहीं और बुक करा सकते हैं। तो गाइज मनीष भाई साहब की तो मैं आपको न्यूज दे सकता हूँ, बाकी जो दिल्ली के अंदर दूसरे थर्ड पार्टी रिटेलर्स हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आई थिंक वो भी ले रहे हैं, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने मुझे अपडेट किया था, वो अमाउंट ले लेते हैं, बट आई थिंक वो सीडी के साथ देते हैं, आपको बंडल्स भी हो सकते हैं। तो प्लीज बुक करवाने से पहले उनसे क्लैरिफाई कर लेना आप कि बंडल लेना पड़ेगा या फिर सिर्फ अमाउंट उतना ही देना पड़ेगा एमआरपी वाला। सो गाइज ये वीडियो उन सब के लिए थी जो कि डिलीवरी डेट्स की वेट कर रहे थे, तो प्लीज ये आप ध्यान दीजिएगा, 10 से 15 के बीच में ही आपका प्रोडक्ट आप तक पहुंचेगा। ऑफलाइन जो एम्बियंस वाले वो 10 से देना शुरू कर रहे हैं, 12 तक वो दे देंगे 27 जून तक, उसके आगे का अभी कुछ कंफर्म नहीं। अगर ऐसा कोई और अपडेट आता है तो मैं आपको डेफिनेटली वीडियो के थ्रू बता दूंगा। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई या आपके लिए थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए उन दोस्तों के साथ जिनको PS5 अभी भी चाहिए।